Hello everybody, this is Aman Verma and you're watching Mid Mentality. I am studying in Samar State Medical University first year. So आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप रशिया आ रहे हो तो क्या कुछ आपको अपने ध्यान में रखना है, ठीक है? What are the important things जो आपको अपने माइंड में रखना है जब आप रशिया आ रहे हो? Okay, so the very first point आपको चाहिए बॉम्ब क्लोथ्स. बॉम्ब क्लोथ्स में आप अपने साथ रखोगे टू पेयर्स ऑफ थर्मल्स और एक जैकेट. ये तीन चीज़ें मैंने क्यों बताई, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कपड़े अपने साथ लाओगे वो भी वॉर्म क्लोथ्स, तो आपका जो लगेज है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा. तो उससे क्या होगा कि आप बाकी के कुछ जो इंपॉर्टेंट सामान है वो नहीं ला पाओगे. रशिया में जो सर्दियों के कपड़े मिलते हैं, जो विंटर क्लोथ्स मिलते हैं, वो बहुत ज़्यादा चीप भी हैं और क्वालिटी एक नंबर, ठीक है? बहुत अच्छी क्वालिटी, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के कपड़े रशिया में आपको मिलेंगे, वो भी ठंड के, ठीक है? तो इट्स बेटर कि आप ये तीन चीज़ें लाओ, टू पेयर्स ऑफ थर्मल्स और एक जैकेट. इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है? बाकी जो भी सामान खरीदना है आप यहाँ पे भी आकर खरीद सकते हो. सेकंड, मेडिसिंस में अगर आपको कोई भी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम है तो उस जो भी मेडिकल प्रॉब्लम है उसकी दवाइयाँ आप अपने साथ इंडिया से कैरी करके लेके आओगे, क्योंकि रशिया में जो मेडिसिंस मिलती हैं, जो भी मेडिसिंस मिलती हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं एज कम्पेयर टू इंडिया. तो ट्राई करो कि आप हर तरह के मेडिसिंस अपने साथ कैरी करो, फीवर, कोल्ड, है ना, जो मतलब जितनी भी बीमारी है सबकी कैरी कर लो, मैं तो कहता हूँ, ठीक है? थर्ड आता है गूगल पे के बारे में बताता हूँ आपको. जो गूगल पे होता है वो किसी एक मतलब नंबर से आप लिंक करते हो, तो वो जो भी नंबर होगा, या तो वो आप अपना VI सिम का नंबर लेके आना या तो एयरटेल, दोनों कंपनी में से किसी भी एक कंपनी का सिम आप अपने फ़ोन में इंडिया से ही इंसर्ट करके लेके आना, ठीक है? ये बहुत काम की चीज़ है, इससे आपके पेमेंट्स कभी नहीं रुकेंगे. आपको इंस्टेंट पेमेंट कभी भी किसी को इंडिया में भी करना है और यहाँ पे भी करना है तो कर सकते हो. गूगल पे चलता है रशिया में, इसीलिए. फोर्थ, रशियन रूबल्स अपने साथ कैरी करना. जब आप आ रहे हो, मतलब जब फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो, तो आप अपने एक महीने के एक्सपेंसेस के लिए कुछ रशियन रूबल्स अपने साथ कैरी करना, ठीक है? जो कि आपको हेल्प करे यहाँ पे एक महीने के लिए, क्योंकि एक महीना जब आप यहाँ पे आओगे ना तो आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं. आपको लगे कुछ ये खा लेते हैं, कभी कुछ ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, ठीक है? तो आप प्रायर इंडिया से ही ये सारी चीज़ें आप लेके आना. रशियन रूबल अराउंड 5000 आप ला सकते हो, 5000 में आपका हो जाएगा, आराम से हो जाएगा. 5000-10000 में ला सकते हो, बट 5000 सही रहेगा. यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो तो वो इंग्लिश मीडियम आपको पढ़ानी चाहिए. ऐसा नहीं कि वो बायलिंगुअल है, कॉलेज बायलिंगुअल नहीं होनी चाहिए. कॉलेज फुल 6 साल के लिए आपको 6 ईयर्स का कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए. कॉलेज ऐसा चूज करना, ठीक है? मैं समारा में पढ़ रहा हूँ, मेरा 6 साल का कोर्स इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है? जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, जो कुछ भी है, सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करना, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब कहाँ क्या मांग लिया जाए, ठीक है? और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आना, फोटोकॉपीज भी लेके आना, क्योंकि फोटोकॉपी यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, तो फोटोकॉपीज भी उसकी 3-4 उठा के ले आना. टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं? टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं जैसे इंडिया में पढ़ाते हैं, सेम इंडिया में भी बच्चे खुद से पढ़ के जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर भी ऐसे ही है, आपको खुद से पढ़ के जाना है, ठीक है? वहाँ टीचर्स आपके सिर्फ डाउट क्लियर करेगा, टीचर आपको स्पून फीड नहीं करेगा, समझ गए? देन अटेंडेंस की बात बताता हूँ. रशिया में जैसे इंडिया में सिस्टम है 75% या 80% अटेंडेंस चाहिए होता है कॉलेज में, वैसे रशिया में 100% अटेंडेंस चाहिए. रोज़ कॉलेज जाना पड़ता है, रोज़. और अगर आप कॉलेज नहीं गए तो उसके लिए आपको रीवर्क देना होता है, जैसे आत्रावोध कभी बोलते हैं, ठीक है? रीवर्क बोलते हैं, मतलब वो आप कभी भी टीचर के पास जाके उनसे बात करोगे कि मेरी ये क्लास मिस हुई थी तो मुझे इसका आत्रावोध का देना है, तो क्या किया जाए? तो टीचर्स आपको बैठाएगी अपने पास, उसको वो आप फिर आपको रीवर्क करने बोलेगी कि हाँ मैंने ये कुछ पढ़ाया था, आपको ये पढ़ना है, फिर इसका एक टेस्ट लेगी छोटा सा, देन आपका वो आत्रावोध का क्लियर हो जाएगा, गुड टू गो, आपका वो जो एबसेंट ही आपका लगा था वो प्रेजेंट ही हो जाएगा, समझे? देन अगर आप हॉस्टल में रहते हो रशिया में, अगर आप आ रहे हो इंडिया से, जब आप रशिया आ रहे हो, ठीक है, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. कोई बताता नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल, बच्चे करते नहीं हैं और इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है रशियंस को. क्लीनिंग,
अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो अपने रूम की सफाई, अपने वॉशरूम की सफाई, अपने लॉन्ड्री रूम की सफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आता है रैगिंग, कि कॉलेज में रैगिंग होती है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो रैगिंग बिल्कुल नहीं होती है आपको, मतलब जैसे इंडिया में बहुत होता है ये चीज़, बट यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि देखो आप अपने ऑलरेडी अपने पेरेंट्स, अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर हो, और यहाँ पे कोई आपको ऐसे बुली करे वो किसी को भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे सारे सीनियर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं आपको, हर चीज़ में आपको हमेशा हेल्प करेंगे। क्या टेस्ट होने वाले हैं, किस तरह से टेस्ट लिए जाते हैं, एग्जाम्स होते हैं, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको मतलब कैसे मतलब अपने अत्र वत्र क्लियर करने होते हैं, टीचरों से कैसे बात करनी है, मतलब हर चीज़ आपको अपने हमारे सीनियर्स बताते हैं, सीनियर्स ट्रिक्स बताते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पे मेरे कॉलेज में खासकर सीनियर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं, ठीक है। देन आता है कि मंथली एक्सपेंसेस, जब आप यहाँ पे आओगे तो मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, मैं अपना करंट का बताऊँ तो मेरे को मंथली एक्सपेंसेस मेरे 8,000 के आसपास का है। मैं अपने घर से भी 8,000 ही मंगवाता हूँ, और मतलब महीने के एंडिंग तक मेरे पास 2,000 और 3,000 तक मैं सेव कर लेता हूँ। खाने पे खर्चा करता हूँ अपने, जितना भी मुझे मतलब मुझे मन करता है कि आज मुझे ये खाना है तो मैं खा लेता हूँ, ठीक है, मुझे कुछ ये सामान लेना तो मैं ले लेता हूँ, बट अननेसेसरी खर्चे मैं कभी नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि हमें पता है हम ऑलरेडी इतना सारा पैसे, वैसे ही घर से वालों ने इतना दूर भेजा है, इतना सादा पैसे दे के इतना दूर भेजा है, तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना, पैसे सेव करना सीखो, ठीक है, ऐसे पैसे उड़ाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कम से कम पैसे मंगवाओ घर से जितने में तुम्हारा काम हो जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पापा को बोल दिया पापा 15,000 भेज दो, 20,000 भेज दो, ठीक है, नॉर्मल 8,000, 7,000, 10,000 तक भी काम हो जाता है आराम से, ठीक है। देन होता है फूड, हमारी यूनिवर्सिटी में फूड प्रोवाइड किया जाता है, इंडियन मेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो अपने साथ मसाले कैरी करना, ठीक है, मसाले कैरी करना इज़ इम्पॉर्टेंट। मान लो अगर आज मैं इसका खाना खाने का मन नहीं है तो खुद से तो बना के खा सकते हो ना, तो इसके लिए अपने साथ इंडिया से मसाले कैरी कर, मतलब कैरी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मसाले लेके आना, ठीक है। देन आता है कि इंडिया में आपने देखा होगा वाटर, वाटर बहुत इजीली हर जगह अवेलेबल होता है, कभी भी कहीं भी जाओ किधर भी मतलब है ना, आप इस पे जाओ क्या बोलते हैं, कोई भी रेस्टोरेंट में चले जो कुछ भी बोलो, किसी को भी बोलोगे पानी पानी दे आराम से तुम पी सकते हो, बट यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यार, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है पानी, आपको पानी खरीदना पड़ेगा यहाँ पे, लिटरली आपको पानी यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, ऐसी बात है, ठीक है। मतलब हम 5 लीटर का हम एक बॉटल खरीदते हैं जिसके लिए हम 15 रूबल्स पे करते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप रशिया आ रहे हो, ठीक है, तो रशिया आने से पहले कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं, कुछ कॉमन सेंटेंसेस होते हैं, आप उसको यूट्यूब पे पढ़ लेना, यूट्यूब से थोड़ा सा याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग डेज में जब आप यहाँ पे आओगे कि यहाँ पे किसी को इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ रशियंस बोलते हैं यहाँ पे लोग, तो जब यहाँ पे आप आओगे तो वो चीज़ें आपको जब अगर आती होंगी तो आपको लोगों से बात करने में, कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप इंडिया में से थोड़ा सा सीख के आना, थोड़ा सा प्रायर पहले से सीख के आना, तो थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आएगा इस लैंग्वेज में एंड आप सीख लोगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, है ना, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं वो हेल्पफुल होंगे, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स अगर आपको ऐड ऑन करने हैं मेरे, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ ऑलरेडी यहाँ मेरे साथ पढ़ रहे हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो इसमें कुछ और पॉइंट्स अगर मैं ऐड कर सकता हूँ तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है, ताकि जो इन फ्यूचर बच्चे सर्च करेंगे ये वीडियो वो देख सकें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।